Tech with a Major Advantage. स्वागत है आप सभी लोगों को मेरा आज का और एक न्यू वीडियो पर। सो आज फिर से एक लॉन्ग राइड पे निकल चुका हूँ। आज मैं जा रहा हूँ दुर्गापुर। सो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को आगे। सो यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैं अभी रणजीतपुर पहुँचने वाला हूँ। सो अभी मैं 5 किलोमीटर ही बस आया हूँ और मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है, इसलिए मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। क्या करे, किस्मत ही ख़राब है, पता नहीं क्यों कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं मोबाइल के कैमरे से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, हाथ में पकड़ के। सो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को आगे। सो अभी मैं दुबराजपुर क्रॉस कर चुका हूँ और अभी दुबराजपुर शायद से सालतोड़ा से लगभग 7 किलोमीटर के करीब है। तो हम मैं बस अभी 7 किलोमीटर ही आया हूँ, 10 मिनट लगे हैं। सो कैमरा काम नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा मतलब गुस्सा लग रहा है कि ऐसी ये कैमरा काम नहीं कर रहा है, मोबाइल हाथ में पकड़ के वीडियो बनाना पड़ रहा है। सो क्या कर सकते हैं, निकल गए हैं तो पहुंच के ही रहेंगे और ऊपर से आज धूप इतना ज़्यादा है कि पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और थकान भी बहुत जल्दी लग रहा है। सो आगे का व्यू आप लोग इंजॉय करते रहिए। अभी मैं रुक चुका हूँ रोड के एक साइड पे, ये देखो यहाँ पे साइकिल। सो अभी मैं यहाँ पे एक वाटर ब्रेक लेने के लिए रुका हुआ था। सो अभी मैं 11 किलोमीटर आ चुका हूँ, उसके बाद एक ब्रेक ले रहा हूँ। आज मैं पूरा एकदम भरपेट खाना खा के निकला हूँ, जो कि मैं कभी भी लॉन्ग राइड्स पे नहीं करता। लॉन्ग राइड्स पे मैं हल्का खाना खा के निकलता हूँ, बट आज भूख लग गया तो ज़्यादा ही खा लिया। तो आराम से जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। दुर्गापुर का जो मैं जहाँ पे मेरा जो डेस्टिनेशन है वो है सालतोड़ा से लगभग 54 किलोमीटर्स। सो पानी पी लेते हैं और निकलते हैं। सो अभी मैं आ चुका हूँ कुछ इस तरीके के लोकेशन पर, आप लोग देख सकते हो, ये देखो बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ। सो यहाँ से मेजिया और ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर ही है शायद से। सो ये क्रॉस करने के बाद ही शायद से मेजिया है, मुझे उतना याद नहीं सही से, और मेजिया देखिए मेरा रास्ता मुझे पता है। तो भाई लोग अभी देख सकते हो भाई साहब मेजिया पहुंच चुका हूँ, इस साइड पे चेक कर सकते हो मेजिया। सो पसीने से देख सकते हो पूरा भीग गया हूँ और गमछा डाल के चल रहा हूँ जिससे कि धूप कम लगे। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, कल रात को ही बारिश हुआ है, मुझे लगा था कि थोड़ा सा सही होगा वेदर, बट और बिगड़ गया है वेदर। सो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों का आगे, क्योंकि अभी मुझे मतलब यहाँ तक का रोड एकदम पूरा पता था, आगे का जितना भी रोड आने वाला है वो सारा कुछ मुझे गूगल मैप पे देखना पड़ेगा। सो चलते हैं, मिलते हैं आगे। ये चेक करो मेजर ब्रिज। सो मैं यहाँ पे नहीं रुकूँगा वरना अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखा पाता। मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो पिन कॉमेंट पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो दामोदर नदी नीचे से बह रहा है और वहाँ पे मंदिर वगैरह भी है। सो आज का वेदर चेक करो भाई, कभी कभार धूप देता है, कभी कभार ऐसा कुआसा टाइप का कर देता है पूरा। एक शॉर्टकट के चक्कर में इस टाइप से रोड किससे जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ शॉर्टकट अच्छा ही होगा, लॉन्ग कट नहीं बन जाएगा। सो चेक करो हाँ लोग, मैं अभी जा रहा हूँ ओंडाल इस साइड से होके, मैंने सुना कि दुर्गापुर थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। सो यहाँ का लोकल लोगों से जितना तक पूछा कि यही सही है। सो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को आगे। सो भाई लोग अभी कुछ इस तरीके के लोकेशन पे रुका हुआ हूँ, ऊपर देख सकते हो जॉल टैंक है, तो यहाँ से मैंने पानी वगैरह रिफिल कर लिया हुआ है और शॉर्टकट में चक्कर में थोड़ा सा घूमना पड़ा, तो क्या कर सकते हैं। सो अभी ओंडाल क्रॉस कर चुके हैं, सो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना पीना करेंगे तब निकलेंगे। सो
सो अभी यहाँ पे यहाँ से निकल रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा बबल हो रहा होगा बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि आज कैमरा काम नहीं कर रहा है। ये देख सकते हैं, ये है चिड़ा भाजा। सो हमें भी ये खाते खाते जा रहे हैं। अभी आ चुका हूँ नेशनल हाईवे 19 पर। सो यहाँ से और ज़्यादा नहीं है, 15 किलोमीटर के आसपास है। सो बहुत दिन बाद लॉन्ग राइड कर रहा हूँ। सो थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है बट कोई नहीं, आदत हो जाएगा फिर से। सो अभी वेदर सही है बट धूप भी बहुत ज़्यादा दे रहा है जिससे वजह से पसीने से पूरा भीग चुका हूँ। सो मैं सोच रहा था कि 10 किलोमीटर के बाद एक करके ब्रेक लेंगे बट ऐसा नहीं हो रहा है। मैं 10 किलोमीटर से ज़्यादा ही चला ले रहा हूँ देन ब्रेक ले रहा हूँ। सो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को आगे। अभी यहाँ पे देख सकते हो पसीने से भीग चुका हूँ। साइड से जा रहा है NH-19। सो इसका ही मैं एक साइड पे पेड़ के छांव में भी रुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह पियेंगे फिर निकलेंगे। अभी भी यहाँ से 10 किलोमीटर के करीब है बट धूप इतना ज़्यादा है कि चलाया नहीं जा रहा है अभी साइकिल। सो यार 10 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। सो चलते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं डेस्टिनेशन पे और यहां पे देखो कौन मिल गया। ये देखो बस से आ गया, मेरे को साइकिल से आना पड़ा भाई, अमीर लोग देख सकते हो। सो आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा ही बना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो